We are at the Kamakhya railway station, the final destination of the ill-fated Northeast Express, which started from Anand Vihar and derailed in Bihar. Joining us at this moment is the Chief Public Relations Officer of Northeast Frontier Railway, Mr. Sabe Sachidev. Mr. Deep, Northeast Express is a very popular train for people to reach Northeast from New Delhi, Anand Vihar terminal. There was this derailment yesterday. What is the latest that you're getting from the, you know, from your counterpart of Eastern Central Railway? Because this train is maintained by Northeast Frontier Railway. And what are the initiatives that NFR has taken? When do you expect the relief train to reach Guwahati? First, let me give you a brief. The information which we got, this train derailed at around 21:50 hours, that is 9:50 p.m. last night. And after derailment, out of the 21 coaches, the composition, the affected, the seriously affected coaches were around 3 to 4. The total casualties as of now, which we have got, is 4 casualties and injuries are 42. Honorable Minister of Railways have announced the ex gratia payment of 10 lakh rupees for the death cases, and for the grievously injured we have 2.5 lakh rupees, and for simple injury we have 50,000 rupees. And ye bataiye ki jo ye train hai isme total Assam aur Northeast se kitne passengers the और कितने लोग वहाँ पे जो घायल हुए या हुए हैं या फिर जिनकी मृत्यु हुई है उसमें असम या नॉर्थ ईस्ट से कोई थे और कितने लोग आपके रिलीफ ट्रेन में आ रहे हैं? देखिए, रिलीफ ट्रेन में 1000 लोगों की संख्या है जो जिन्होंने दानापुर से अपनी जर्नी शुरू की है, और नॉर्थ ईस्ट से कितने थे इसके कंपेरिजन में आपको ये बता दूँ कि नॉर्थ ईस्ट बाउंड, रादर असम बाउंड, कोकराझार से लेके कामाख्या तक अराउंड 540 पैसेंजर थे, एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारे पैसेंजर रिलीफ ट्रेन पर हैं. अभी तक डेथ कैजुअल्टी लिस्ट और इंजर्ड लिस्ट में नॉर्थ ईस्ट या असम के लोगों का नाम नहीं आया है. हाउएवर, ये जो लिस्ट है ये जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे वैसे अपडेट किया जा रहा है. जितने अपडेट आते हैं हम आपको देते रहेंगे उसमें. और दूसरी बात है कि ये जो रिलीफ ट्रेन आएगी इसके बाद जो पैसेंजर्स यहाँ पे आएंगे, क्योंकि कामाख्या के आगे भी नॉर्थ ईस्ट के बहुत स्टेट्स के पैसेंजर्स आते हैं, मेघालय के पैसेंजर्स हैं, बाकी स्टेट्स के पैसेंजर्स हैं, तो उनको उनके लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की क्या व्यवस्था की है? हमें लास्ट डेस्टिनेशन तक की ऐसा है कि हमें तो इनिशियली जो हमारा डेटा है, जो टिकटिंग डेटा है, उससे हमें ये नहीं पता चलता कि फाइनल डेस्टिनेशन उनका क्या होता है. हमें इतना पता चल जाता है कि कामाख्या जो फाइनल स्टेशन है वहाँ तक वो उतरने वाले हैं. हाउएवर, हमने व्यवस्था ले रखी है जो पैसेंजर्स हैं उनको जहाँ तक हम कर सकते हैं एटलीस्ट वहाँ तक हम पहुँचा दें. अगर उनको किसी कनेक्टिंग बसेज में चढ़ाना है वो भी हम करवा देंगे. और इस दुर्घटना के लिए जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का जो कनेक्टिविटी है टूअर्ड्स नॉर्थ बंगाल या फिर दिल्ली बिहार, वहाँ पे कुछ ट्रेनों का आपको रद्द करना पड़ा, उसको दूसरे रास्ते भेजना पड़ा, कोई चेंजेस? जो मेजर नॉर्थ ईस्ट के मेजर ट्रेनों का यहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं हुआ है. हमारी ट्रेनों को मेनली डाइवर्ट किया गया है. टाइमिंग में तो थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा. तो डाइवर्जन हुआ है, कैंसिलेशन अभी तक एक भी नहीं हुई है. और ये आखिरी सवाल, जो पीड़ित लोग हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, उनके परिवार वालों के लिए आपने हेल्पलाइन खोला है, कैसे आप लोग रिस्पॉन्स रख रहे हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं वहां तक? और दूसरी बात है कि ये जो हादसा हुआ है इसकी कोई इंक्वायरी शुरू हुई है या नहीं? देखिए, पहले मैं ये बता दूँ, जो अफेक्टेड पैसेंजर्स हैं, जो हमारे हेल्पलाइन है, वो कल रात एक्सीडेंट के तुरंत बाद खुल चुकी थी. जो हेल्प डेस्क है वो हर स्टॉपेज स्टेशन विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ NFR, कटिहार से शुरू करके कामाख्या तक हर स्टेशन में खोली गई है. हर स्टेशन में हमारे कॉल्स आ रहे हैं, फिजिकली पैसेंजर की फैमिली पहुंच रही है. हम उनको इन कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद ईस्ट सेंट्रल रेलवे जितना डेटा हो सके उतना दे रहे हैं. उन्होंने ऐसा भी हुआ है कि पैसेंजर्स ने अपने फैमिली को खुद भी कॉन्टैक्ट किया है, तो उनको वो भी आश्वस्त हैं कि दे आर सेफ एंड रेलवे हैज़ टेकन केयर ऑफ देम प्रॉपरली, द अफेक्टेड पैसेंजर्स एट ईस्ट सेंट्रल रेलवे. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. तो ये थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के चीफ PRO, और हमें बता रहे थे कि किस तरह से अब ये जो ऑपरेशन है वहाँ पे बिहार में वो ख़त्म हो चुका है, ट्रैक खुल चुका है, और रिलीफ ट्रेन अब जो उत्तर पूर्व के लिए जो पैसेंजर हैं उनको लेके दानापुर से रवाना हो चुकी है, और 12 घंटे की जर्नी रहेगी. हम इस वक्त कामाख्या रेलवे स्टेशन में हैं, यहाँ पे इंक्वायरी बूथ बनाया गया है वहाँ पे, और अभी तो फ़िलहाल जो पीड़ित हैं उनके जो पैसेंजर्स हैं उनके फैमिलीज़ के लोग नहीं आए हैं यहाँ पे, मगर जैसा
खबर आ रहा है, बहुत कॉल्स आ रहे हैं, और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बहुत ही एक पॉपुलर ट्रेन माना जाता है उत्तर पूर्व के लोगों के लिए दिल्ली पहुंचने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि इसमें हमेशा एक जो पैसेंजर प्रेशर भी रहता है, और इस हादसे के बाद अब लोग जो परिवार वाले हैं वो रेलवे के संपर्क में आ रहे हैं, और रेलवे उनको जो स्टेटस है उनके परिवार वाले जो इस ट्रेन में हैं सवार हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कमाख्या रेलवे स्टेशन से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया।